हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जुबिलेंट फूड का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि पहले बता दिया जाता, उसी तरह मैं आपको अभी पहले बता रहा हूँ कि ये जो जुबिलेंट फूड का जो शेयर प्राइस है, अभी देख सकते हैं 1748 के आसपास चल रहा, 0.40 में, ठीक है। तो इसका जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। अगर आपने नहीं खरीदा तो आप खरीद सकते हो, या आप खरीदो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, चाहे जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदना आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको खरीदना जरूर है क्योंकि इसमें जो है आपको आने वाले दिनों में बहुत बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट देखा जाएगा। क्योंकि अगर हम फंडामेंटली इस कंपनी को देखते हैं तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैनेजमेंट इफिशियंसी देख सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल या जो भी हो, फिक्स असेट पे भी रिटर्न इसका अच्छा है। चारों तरफ से अगर हम देख ले तो ये कंपनी जो है हमें फ्यूचर के लिए खरीदने के लायक है, ठीक है। अगर हम इसमें, सबसे बड़ी बात होती है जब भी किसी कंपनी को खरीदते हैं तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा होता है। अगर वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट जो है जनरेट कर रही है कंपनी, तो ये जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी प्रॉफिट मिलेगा करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट जो है इसमें भी देखिए पॉजिटिविटी दिख रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें भी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, हालांकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो इस कंपनी में हर एक चीज आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। ये कंपनी जो है आप आने वाले दिनों के लिए खरीद सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके लेकिन अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और हमें किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेना चाहिए। तो ठीक है, ये क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स में देख लेते हैं दोस्तों, सेल्स में भी देख सकते हैं 5.16 है जो भी है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं है कंपनी में। अगर नेगेटिविटी होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इस कंपनी में सेल्स में भी अभी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। और नेट प्रॉफिट है, देख लीजिए, नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हैं 2.48 है, ठीक है, जो भी है, लेकिन इस कंपनी में अभी पॉजिटिविटी देखी जा रही है। तो आप जो है इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी कर सकते हो। और कंपनी रिटर्न भी अच्छा दे रही है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 1 ईयर मतलब विथ इन ए ईयर ये देखिए 43% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 1 मंथ के अंदर देखिए 9 to 10% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है उतना ज़्यादा भी शेयर होल्डर को देगी। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन देखिए अच्छा प्रोडक्टिविटी है कंपनी में। तो मैं बोलूँगा ऐसे कंपनी में अगर आप खरीदे हो तो आपको बने रहना चाहिए, अगर आपने नहीं खरीदा है तो आपको खरीदना चाहिए ऐसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के तौर से, ठीक है। और कंपनी के शेयर होल्डर में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो शेयर प्लेस है वो दोस्तों 1% के आसपास जो है इसका शेयर प्लेस रखा गया है। वो जब भी कोई किसी भी कंपनी का शेयर जो प्लेस रखा जाता है उसको हम पॉजिटिव में ले सकते हैं, सॉरी नेगेटिव में ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि इस कंपनी को हमें पॉजिटिव में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो शेयर प्लेस रखा गया है वो ओनली 1% है, 1%। तो चलिए ऐसा कोई बात नहीं है, इतना थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन बिजनेस का देख सकते हैं बहुत जो भी है फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास बहुत अच्छा 34% के आसपास है। उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के, और देखिए सबसे बड़ी बात तो देना चाहिए पब्लिक को, पब्लिक के पास ही बहुत कम रह जाते हैं, वो है 6% के आसपास। तो दोस्तों ये कंपनी जो है आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा, अगर आप रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो भी, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो 1 महीने 2 महीने के लिए तो भी आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आने वाले वीडियो आपसे मिस नहीं होगा।